पहले तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। कल दीपावली स्वाति नक्षत्र में बहुत श्रेष्ठ है। सायं 4:30 से 8:21 तक शुभ अमृत गोधूलि विला एवं उस समय वृषभ लग्न रहेगा, पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इसके बाद में रात्रि को सिंह लग्न 1:02 से लेकर 3:15 तक रहता है, व्यापार के लिए ये श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा अमृत वेला 3:32 से 6:44 तक है। वैसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, दिवा व रात्रो व यदि व संशो युधि, अगर दिन में भी लक्ष्मी पूजन किया जाए तो भी वो प्रभावी होता है। और दिन के समय 12:15 से 1:30 का जो समय है लाभ का चौगड़िया, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। लक्ष्मी पूजन जो करते हैं उसमें कई लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, तो किस तरह से विधि रहती है या क्या चीज का ध्यान? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि अगर हम लक्ष्मी पूजन को विधिवत करें तो निश्चित रूप से हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक तो हम लक्ष्मी पूजन प्रारंभ करें तो पहले शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें, स्नान करें और इसके पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। लक्ष्मी की स्थापना के बाईं तरफ घृत का दीपक और दाईं तरफ चतुर्मुखी तेल का दीपक करें। इसके साथ ही अगर पूजन के समय संपुटित श्री सूक्त का पाठ किया जाए तो वर्ष भर बहुत अच्छा रहता है, उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। गोपाल सहस्र नाम, ये पाठ भी बहुत फलदायी रहता है। अगर किसी पर किसी प्रकार का कर्ज है तो वो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे। इसको करने से वह जिस किसी प्रकार का उस पर कर्ज है तो उसमें निश्चित रूप से राहत मिलती है। साथ ही ये कमल गट्टे की माला है और अगर लक्ष्मी पूजन के बाद कमल गट्टे के माला से ओम श्रीम रिम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसका अगर 108 बार जाप किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार लक्ष्मी